पहले देखते हैं हार्ट क्या है. ये देखिए मैं ड्रॉ करता हूं, ये कौन है, हम और आप, ये है हमारा पूरा बॉडी. और ये देखिए हार्ट है, यहां पे हार्ट होता है. कितना बड़ा हार्ट का साइज होता है, करीब करीब 300 ग्राम वजन होता है इसका. एक समझ लीजिए एक एप्पल के जितना हार्ट होता है. ये पंप करता रहता है और ये जब पंप करता है तो यहां से ब्लड पूरे शरीर को जाता है. मैं हार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं. ये जो हार्ट है ये 70 बार हर मिनट में पंप करती है, एक घंटे में 4300 बार और 24 घंटे में करीब 1,00,000 बार पंप करती है. और हर बार ये जब पंप करती है इससे ब्लड निकलती है और ब्लड पूरे बॉडी को जाती है, बॉडी के हर पार्ट को ब्लड मिल जाता है. देखते हैं हार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं. देखिए आप ये देखिए ये हार्ट है बड़ा करके. और हार्ट जब पंप करती है तो इससे एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम है एओर्टा. ये 1 इंच मोटी होती है और ये ब्रांच पूरे बॉडी को एक एक ब्रांच देते रहती है. देखिए पहला ब्रांच राइट हैंड को दिया, फिर ब्रांच ब्रेन को दिया, फिर लेफ्ट हैंड को दिया, फिर ये यू टर्न लिया और हार्ट के पीछे से नीचे उतरता गया. और अब देखिए इधर पेट में निकला, इधर लीवर को, इधर स्टोमक को और फिर इधर दोनों किडनीज को दिया, फिर इंटेस्टाइन्स को दिया और फिर अल्टीमेटली दोनों पैरों को दे दिया. मतलब एक बार हार्ट ने पंप किया, ब्लड पूरे बॉडी को पहुंच गया. अब जब हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा है, ब्लड से बॉडी को क्या मिलता है, ऑक्सीजन. अच्छा पूरे बॉडी को ऑक्सीजन जरूरत है, हार्ट को खुद के लिए भी तो ऑक्सीजन जरूरत है. अब देखते हैं हार्ट अपने लिए क्या लेता है. हार्ट अपने लिए 3 ट्यूबें ले लेता है और इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज. देखिए मैं दिखाता हूं, एक ये राइट साइड में है, इसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी. ये ट्यूब कितनी मोटी होती है मैं आपको बताऊं, ये करीब करीब एक बच्चे पेंसिल से लिखते हैं इतना बड़ा होता है हार्ट का जो ये ट्यूब्स होते हैं उनके साइज. एक का नाम है RCA राइट कोरोनरी आर्टरी, ये है राइट वाली ट्यूब. लेफ्ट में 2 ट्यूब है और ये दोनों ट्यूब को यहां पे दिखाता हूं. देखिए एक ट्यूब पहले निकला, एक पीछे की तरफ घूम के चली गई, इसका नाम है लेफ्ट सर्कमफेरेंस. और एक है LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग. ये देखिए ये ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे. ये जो 3 ट्यूबें हैं, एक का नाम है RCA, एक का नाम है LAD. LAD का मतलब है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और एक है लेफ्ट सर्कमफेरेंस. ये पीछे की तरफ घूमते हुए जाता है, सर्कमफेरेंस मतलब घूम के जाना, अराउंड द हार्ट जाती है. ये जो 3 ट्यूबें इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज. अब हार्ट की बीमारी में होता क्या मालूम है, यही ट्यूब के अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाती है. मतलब ये चर्बी हम जमाते हैं, भगवान नहीं जमाती है, हम जमाते हैं. और ये ब्लॉकेज जब बढ़ने लगती है तो नेचुरली आप समझ सकते हैं हार्ट की सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है. चलिए इस ब्लॉकेज को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं. देखिए हार्ट को थोड़ा, हार्ट की ट्यूब को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं आपको. ये ट्यूब है मान लेते हैं. अब देखिए ब्लॉकेज कैसे होती है ट्यूब के अंदर. ये ब्लॉकेज कब से शुरू होती है सोचिए, ये ब्लॉकेज शुरू होती है करीब करीब हमारी उम्र जब 20 साल की हो जाती है. आप समझ लीजिए बच्चा जन्मता है इतना छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते बढ़ते जब तक वो 18 साल तक होता है तब तक चर्बी खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चर्बी आपकी ग्रोथ, बच्चों का ग्रोथ करने में हेल्प करता है. बट 18 साल के बाद ये वाली ग्रोथ खत्म. अब ग्रोथ कहां की शुरू हो गई, अब शुरू हो गई या तो मोटापा वाला ग्रोथ या हार्ट के अंदर की ब्लॉकेज की वाली ग्रोथ. तो अब हमें कौन सा चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए. अब देखते हैं ये ब्लॉकेज शुरुआत कहां से हुई. शुरुआत तो पहले 1% से ही होगा. देखिए ये छोटा सा ब्लॉक हुआ, थोड़ा सा ब्लॉक हुआ, 20 साल की उम्र है. अब धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा. ये देखिए ब्लॉकेज और बढ़ गई, ये और थोड़ा ब्लॉकेज बढ़ गया. जैसे जैसे टाइम जाता गया ब्लॉकेज बढ़ती गई. अब देखिए 50% ब्लॉकेज हो चुकी है. अच्छा मरीज को पता ही नहीं ये ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 50 में उसके पास अभी 50 खुली है, कोई दिक्कत नहीं है. धीरे धीरे और ये ब्लॉकेज बढ़ी. अब देखिए 60-70% ब्लॉक हो गया, अभी भी मरीज को मालूम नहीं. ये अब 80% जब ब्लॉक हो जाती है तब मरीज को पता चलता है वो हार्ट का पेशेंट हो चुका है. क्यों, 80 के बाद मरीज को तकलीफ हो जाती है. आप सोच के देखिए 80 के बाद क्यों, क्योंकि 80 के बाद जो 20 रह जाती है, 20 रह जाती है, वो हार्ट के लिए काफी होता है. आप सोचिए हमारी हार्ट की जरूरत क्या होती है. एक आदमी बैठा है उसकी हार्ट की जरूरत सबसे कम है, क्योंकि हार्ट की स्पीड बहुत कम है. उसको जरूरत है 10%. अगर वो चलना चाहे तो उसको 20% जरूरत है.
और एक आदमी चल रहा है, घूम रहा है, गाड़ी चला रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो उसका 20% से काम निकल जाता है। तो एक बार सोच लीजिए, जो घूम फिर रहा है उसको कोई तकलीफ नहीं है, 80 ब्लॉक है उसको पता ही नहीं वो हार्ट का पेशेंट है। मतलब कोई आदमी अगर चल फिर सकता है, इसका मतलब उसके पास 20% तो पक्का ही खुला हुआ है। तो 80 ब्लॉकेज तक पेशेंट हमारे पास यूजुअली नहीं आता है। जब कोई मरीज आके ये बोले कि डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूं तो मेरे छाती में दर्द होता है, भारीपन होता है, तो मैं समझ जाता हूं ये हार्ट का पेशेंट है और 80 से ऊपर ब्लॉकेज करीब करीब हो चुकी है। तो हमारे पास कब पहुंचेगा पेशेंट? 80 के बाद। आप ये सोच के चलिए, जो आप हार्ट के पेशेंट नहीं हो उनमें से सबके जीरो ब्लॉकेज नहीं है। ये ब्लॉकेज हो सकता है कोई का 10 हो, कोई का 20 हो, कोई का 30 40, कोई का 50 60, कोई का 70 80, और तब तक उनको मालूम भी नहीं। तो मैं जो आज हार्ट की बीमारी को रोकने की बात कर रहा हूँ, ये जो चर्बी ना जमने की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ हार्ट के पेशेंट को ही मालूम होना चाहिए, ये तो सबके लिए मालूम होना चाहिए कि भाई अब मेरी अगर ब्लॉकेज बढ़ रही है तो ये ब्लॉकेज बढ़नी नहीं चाहिए। अच्छा, अब एक बात सोचते हैं, ये ब्लॉकेज जब 80 के ऊपर चला जाए तो पेशेंट आके कंप्लेन करता है, सर मैं जब चलता हूं तो मेरे को छाती में दर्द होती है और ये दर्द लेफ्ट हैंड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है और ये हाथ में भी जाती है, कुछ कुछ लोगों को चोकिंग होती है, सांस फूल जाती है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे धड़कन तेज हो जाती है, मेरे को लगता है छाती में कोई जलन आ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स को हम लोग बोलते हैं एंजाइना, और इसका मतलब ये 80 से ऊपर ब्लॉकेज हो चुका है। अब अगर हम कॉमन सेंस को यूज करें, कोई आदमी को पूछूं सब ये है हार्ट की बीमारी और जिसमें 10 करोड़ हार्ट के पेशेंट इंडिया में है और इस बीमारी का करें क्या, तो आपका दिमाग इमीडिएटली पूछेगा कि डॉक्टर साहब एक बार बताइए ये ब्लॉकेज हो क्यों रहा है, कौन सा ऐसा कारण है जो अंदर जम रही है। एक आदमी मेरे को और स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब अगर इसकी जो ब्लैक वाली आप दिखा रहे हो इसका एक पीस निकाल लूं काट के चाकू से और इसको माइक्रोस्कोप में देखूं तो इसमें दिखेगा क्या? इसमें दो आइटम दिखेगा, इसका नाम है चर्बी और इसका मेडिकल नाम है कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो इन दोनों का नाम एक बार नोट बना लेते हैं, एक का नाम है कोलेस्टेरॉल, ये ब्लॉकेज बनाती है, और एक का नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। ये दो जो आइटम्स है इनको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और ये दो आइटम को अगर हम ब्लॉकेज से रोक दें, इनको अगर हम खाने में बंद कर दें तो हार्ट की बीमारी बनना बंद हो जाएगा, ये ब्लॉकेज बढ़ना बंद हो जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप कॉमन सेंस को यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये जो बीमारी का असली कारण है ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, इनको क्यों नहीं हटाते हैं? सावल में हम सिर्फ यही बात समझा रहे हैं कि जो ब्लॉकेज बढ़ रही है, जो कारण है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इसी को हटाइए। तो आप ये पूछेंगे डॉक्टर साहब ये कोलेस्ट्रॉल है कौन सी फूड, ये आपको मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल एक ही खाने में होता है, वो है एनिमल फूड। एनिमल फूड का क्या मतलब है? जो भी प्राणी से बना हुआ खाना है, जैसे आपका चिकन है, मटन है, बीफ है, अंडा है, मछली है, और दूध भी याद रखिए एनिमल से बना हुआ है। एक बार और गांठ बांध ले, कोई भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं कोई भी प्लांट फूड, जैसे मैं बोल दूं भाई काजू में कितनी कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको बोलना है नो कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट इज अ प्लांट फूड। अगर मैं बोलूं सफोला सनफ्लावर ऑयल में कितनी कोलेस्ट्रॉल है, सनफ्लावर प्लांट है तो इसमें एनिमल है नहीं, तो आप लिख सकते हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो मतलब ये जो तेल है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो आप पूछते सब ये तेल फिर कौन सा चीज है, ये है ट्राइग्लिसराइड्स। याद रखिएगा तेल का जो मेडिकल नाम है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। तो आप बोलेंगे सर फिर तेल तो नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूंगा यही तो हार्ट की बीमारी का असली जड़ है, ये तेल और ये कोलेस्ट्रॉल, ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, अगर इन दोनों को आपने बंद कर दिया तो हार्ट की बीमारी रुक जाएगी, बढ़ नहीं सकती है। और अगर सप्लाई पूरी की पूरी बंद कर दी तो ना सिर्फ बीमारी रुक जाएगी, ये बीमारी अंदर से निकल के आएगी, थोड़ी कम हो जाएगी ब्लॉकेज। और यही हम आपसे चाहते हैं कि ब्लॉकेज बढ़ाना बंद करो। अगर तेल की बात करते हैं तो लोग मुझे पूछते हैं सर ये तेल जम क्यों रहा है? मैं आपको बताता हूं, आप खाने में किचन में जब खाने में तेल यूज करते हैं, आप एक काम कीजिए शाम को किचन में जाइए और जहां खाना बना है गैस की चूल्हा जो है उसके बगल वाले टाइल में हाथ लगा के देखिए हाथ में क्या जम रहा है। आप देखेंगे हाथ में कुछ गीला गीला सा कोई ग्रीजी आइटम जम रहा है, वो क्या है? तेल है। अच्छा, लेडीज लोग उसको साबुन लगा लगा के शाम को साफ करती है। अच्छा, एक लेडी को मैंने बोला एक महीने तक साफ नहीं करने दूंगा, आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है? वो
तेल का लेयर बाय लेयर जमता रहेगा। अच्छा सोचिए, यही तेल का लेयर हस्बैंड के हार्ट के अंदर जमा दे तो कैसा रहेगा? हस्बैंड भी क्यों, परिवार के सारे लोगों के हार्ट में जमा करते हैं। और यही आजकल हो रहा है, वो जो तेल आप खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वही तेल हार्ट के अंदर जमता जा रहा है, ब्लॉकेज बनता जा रहा है। और यही मेन प्रॉब्लम है हार्ट की बीमारी का, कि ये दो आइटम को हमें पहचान करना बहुत जरूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हार्ट के हॉस्पिटल है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उनको इन दोनों से कोई मतलब नहीं हो। बोलते हैं भाई देखो आप ब्लॉकेज बढ़ाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इनकी बात ही नहीं करेंगे। जब आपकी ब्लॉकेज बढ़ जाए तब हम बाईपास सर्जरी कर देंगे, तब हम एनजीओ प्लास्टिक कर देंगे। ये मेरे को बहुत गलत लग रहा है। मेरे को लग रहा है जो हार्ट के पेशेंट्स को पहले तो ये बता देना चाहिए कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज, ट्राइग्लिसराइड है क्या चीज, तो उसकी हार्ट की ब्लॉकेज बढ़ना बंद हो जाए और हार्ट की बीमारी बढ़ेगा नहीं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार सोच के देखिए ये हार्ट अटैक रोकना कैसे है। एक आदमी को मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ, एक नोट की गड्डी है और उसमें रबर बैंड लगा है, मैं नोट घुसाए जा रहा हूँ तो रबर बैंड का क्या होगा? खींचता जाएगा, रबर बैंड एक दिन बस्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि रबर बैंड ना बस्ट हो उसके लिए क्या करना है, तो आपके पास इमीडिएटली आता है कि डॉक्टर साहब फिर नोट घुसाना बंद करो, मतलब अगर इसके अंदर मैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल और फैट ना घुसाऊं तो फटने का चांस नहीं है। मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं, कुछ नोट निकाल लेते हैं। आप सोचिए अगर ब्लॉकेज के अंदर से कुछ नोट निकाल ले, कुछ फैट निकाल ले, तो हार्ट अटैक के चांसेस क्या है? फिर कोई चांस नहीं है। ये एक सिंपल लॉजिक आपको समझना होगा कि नोट की गड्डी से मैं नोट निकाल रहा हूं, रबर बैंड ढीला हो रहा है, अब फटने के चांस। और यही मैं हजारों लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर आपकी ब्लॉकेज 70 है, 80 है, 90 है और अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है, और अगर आपने ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को एकदम खत्म कर दिया और इसके अंदर से सप्लाई, बॉडी को सप्लाई बंद कर दिया कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का, तो बॉडी क्या करेगा, अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है उसको निकाल लेगा, और अगर वो निकाल लेगा तो रबर बैंड ढीला हो गया, हार्ट अटैक के कोई चांस नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा कि खाने में तेल एक बूंद भी नहीं देना है। अगर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ तेल दिया जाए तो हमारा असली काम तो हो जाएगा कि एक हमारी अंदर जमना बंद हो जाएगी। और दूसरा है कि कोलेस्ट्रॉल नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर दो। अमेरिका के प्रेसिडेंट है क्लिंटन, 2004 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई और मेरे पास लोग आके बोले सर देखिए क्लिंटन ने बाईपास सर्जरी किया, नई ट्यूब लग गई। पता चला 6 साल बाद 2010 में उसकी फिर से ब्लॉक हो गई, अब इस बार उन्होंने स्प्रिंग लगा लिया। जब उनको रियलाइज हुआ कि स्प्रिंग फिर से बंद होने वाली है, तब ये जाके मिले अमेरिका में हमारे जो वहां पे कोलीग्स हैं डॉक्टर डीन ऑर्निस से, और ऑर्निस ने उनको बताया कि नहीं आप ब्लॉकेज बढ़ाने वाला प्रोसेस को ही बंद करते। उन्होंने बोला सर 2004 में हमको ये बता दिया जाता तो मेरे को बाईपास की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उन्होंने अल्टीमेटली सीएनएन टीवी में बताया कि ब्लॉकेज मैं अगर पहले ही हटा लेता, ब्लॉकेजिंग प्रोसेस रोक देता तो हमारा काम बन जाएगा। तो याद रखिए ब्लॉकेजिंग प्रोसेस बंद करने के लिए दो चीज, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो अगर बिना तेल के, बिना कोलेस्ट्रॉल और बिना तेल के ट्राइग्लिसराइड के अगर हम खाना बना सकते हैं तो हार्ट की बीमारी को रोका जा सकता है और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है।